उज़बीर बसमीम आज हम ब्रांचेज़ ऑफ़ केमिस्ट्री पढ़ेंगे इससे पहले हमने डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था आज हम ब्रांचेज़ ऑफ़ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहला है फ़िज़िकल केमिस्ट्री कंसर्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस अलोंग विद केमिकल चेंजेस फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास रिलेशनशिप करती है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि कंपोजिशन कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को कहते हैं एग्जांपल हम H2O इसका जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा कंपोजिशन पे किस तरह देखें ये H2O के एलिमेंट्स हैं हम इसमें फ़िज़कल प्रॉपर्टीज ऑफ मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो मालूम करेंगे इस एलिमेंट से अगर एलिमेंट मुख्तलि होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी मुख्तलफ होगा अब फिज़िकल कैमिस्ट्री में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे है स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल और बिहेवियर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस लेकिन यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो ज़रा उसको डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एट ये एटम या न्यूक्लिस है और ये शेल है इससे पहले हम सब ऑटोमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं कि सब ऑटोमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है ये इस पर कोई चार्ज नहीं है अब इनकी यहाँ पे प्लेसेस क्या है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन पे आपको पता है प्लस चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है तो इसकी वजह से इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो शेल जो इनके रिवॉल्व करता है हमेशा याद रखें कि प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये था फि फिजिकल केमिस्ट्री अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ दो कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्ड हाइड्रोकार्बन एंड हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं हाइड्रो और कार्बन पढ़ते हैं और डेराबिटिस पढ़ते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज है वो जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन इनेशियल है ये इंपॉर्टेंट है कार्बन में एग्जाम्पल लेते हैं हम सी एच थ्री कार्बन है और यहां भी हाइड्रोजन है ऑक्सी हाइड्रोजन है यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड अब दूसरा है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इसका एक पार्ट है लेकिन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई एटम या एलिमेंट अलाउड नहीं है एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सी एच फोर इसमें सिर्फ हाइड कार्बन है और चार हाइड्रोजन और इसके अलावा नहीं है। अगर और हम लाते हैं एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन लाते हैं तो फिर ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा तो इसका वो किस्सा है ये कार्बन इस तरह हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन इसके साथ बाड हो जाते हैं और ये सी एच फोर होता है अब डेरिवेटिव्स है अब डेरिवेटिव्स क्या है एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एन एच थ्री ठीक है आउटर मोस्टल में ये दो इलेक्ट्रॉन तो पेयर है ये सिंगल है ठीक है ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन ठीक है इसके साथ ये हाइड्रोजन को ले लेता है सी एच थ्री ये ले लेता है और इसको काट के ये सी एच जाता है तो ये जो डिराइव्ड हुआ है ये किस से डिराइव्ड हुआ है इस एन एच थ्री से तो ये डिराइव्ड है और ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं अब है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक का अपोजिट है इसमें कहते हैं डील स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सपेक्ट हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इसमें हम सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ठीक है तो मीन ऑल द एलिमेंट और कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन या हाइड्रो और बस में कार्बन बस मैं इस लिख लेता हूँ हाइड्रोकार्बन इसमें हम तमाम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन हम इसमें नहीं पढ़ते एग्जाम्पल है।, है एन ए एक एलिमेंट है ठीक है और एन ए सी एल इसका कंपाउंड है तो ये इसमें हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अब है बायोकेमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री दो वर्ड से बनाए बायो और केमिस्ट्री मीन लाइफ और केमिस्ट्री हम इसमें हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर कंपोजिशन रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसेक्ट्स ह्यूमन भी सब आते हैं तो ये हम कंपोजिशन हम स्ट्रक्चर रिएक्शन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इसमें पढ़ते हैं एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट्स की ले लेते हैं ग्लूकोज है, हमारे पास सी सेक्स एच हाइड्रोजन ट्वेल्फ है और ऑक्सीजन छ है ये हमारे पास ग्लूकोज है ठीक है अब इस पहले की composition, इसकी कंपोजिशन इसकी कंपोजिशन क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसका स्ट्रक्चर क्या है इसमें सिक्स कार्बन है बारह ऑक्सीजन है सॉरी बारह हाइड्रोजन है और छः ऑक्सीजन अब इसका रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस क्या है हमारे अंदर इसका रिएक्शन क्या होता है जब ये डाइजस्ट होता है ठीक है ये हमारे फूड्स में पाए जाते हैं ये अब डाइजेस्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें एनर्जी बनती है और West बनते हैं। तो ये इसका रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन ऑफ सबस्टांस अब डिफिनेशन पढ़ते हैं कंसर्न विद स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये था बायो केमिस्ट्री अब है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम एलिमेंट से कुछ बनाते हैं मीन एवरीथिंग इन वी स्टडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल ये पास इंडस्ट्री है एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है क्लोरीन है और NH3 अमोनिया अमोनिया हम किस में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर Fertilizer में फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन हम ये सुज सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन भी लेकिन इनकी मैनुफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्री में तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल जैसे सीमट है ग्लास है सोप है डिटर्जेंट है ये सब इंडस्ट्रीज में बनते हैं डिफिनेशन के तरफ है डील विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ज़रिए ये जो प्रोसेस होती है टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेस होती है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं अब है न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस और रेडियो सॉरी रेडियो एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं अब रेडियो एक्टिविटी क्या है कुछ एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल होते, होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं जो हाईली एटम्स होते हैं जो हाल अनस्टेबल होते हैं अनस्टेबल अनस्टेबल होते हैं एग्ज़ाम्पल यूरेनियम के लिए लेते हैं यूरेनियम यूरेनियम लेते एक से मुसलसल मुसलसल आपको एक रेडियो एक्टिविटीज़ जाएगी एक ये एक है तो इससे मुसलसल जाएगी मुसलसल जाएगी। अब ये बेनिफिट भी है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैंसर है कैंसर में सेल्स की तादाद अनस्टॉपेबल हो जाती है और तेज से होते तो उसके लिए हम ये रेडियो एक्टिविटीज इस्तेमाल करते हैं और डिफिनेशन अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड देशन और एब्जॉर्बेशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है तो इस पे हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियस करते हैं चेंजेस अक्कर होती है न्यूक्लियस में प्रॉपर्टीज में और वो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और एमिशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस जो मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिविटीज होती हैं अब है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम दो तरह के होते हैं एक तो है कंपोनेंट कंपोनेंट और दूसरा है इन इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज ऑन एन्वायरमेंट ये दो हम इसमें पढ़ते हैं ठीक है इस पर हम दो पढ़ते हैं अब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कंपन दो तरह के एक होते हैं बायोटिक बाोटिक बायोटिक और एक होते हैं ए बायोटिक अब बायोटिक क्या चीज़ है बायोटिक लिविंग थिंग्स है उसमें इंसेक्ट्स है एनिमल्स है बर्ड्स है वी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग भी है ठीक है और ए बायोटिक में आते हैं टम्परेचर वाटर ए टी सी अब लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं बायोटिक पे किस तरह अब हम लिविंग थिंग्स हम टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो हम ज़रा वार्म पड़ते कपड़े पहनते अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम हो तो फिर हम वाम पड़ते और अगर ज़्यादा हो तो फिर हम लाइट पड़ते वाटर है तो वाटर बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ के लिए इस तरह बहुत है अब इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट कि इंसान के क्या इफेक्ट्स है एनवायरनमेंट पे एग्जांपल हम हमारा एक है, है वाटर पोल्यूशन अब यह किस तरह होता है हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं उससे वेस्ट मटेरियल जाता है पानी में और उससे हम एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते तो ह्यूमन और इस तरह बहुत से हैं जिस तरह एक और हम लेते हैं सी एफ सी एस क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन लेयर सी ऑक्सीजन थ्री तीन ऑक्सीजन होते हैं इसको डैमेज करते हैं, इसमें होल्स करते हैं जिससे वो वायलेट वेयस आसानी से अंदर आते हैं ठीक तो है तो it. अब है डिफिनेशन कंसर्ड विद द इंटरैक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस प्रोसेस विद द एनवायरमेंट एंड देयर इंपैक्ट ऑन इट कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अब लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिक केमिस्ट्री में हम दो तरह पढ़ते पहले है सेपरेशन और दूसरा है एनालिसिस एनालिसिस पढ़ते हैं ठीक है सॉरी अब एनालिसिस दो तरह के होते हैं इसका मतलब है कि हम उसको आइडेंटिफिकेशन उसकी करते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं पहला है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव दूसरा है क्वांटिटेटिव। अब पहले हम इसकी आइडेंटिफिक एक अननाउन कुछ आता है एग्जांपल हमारे पास H2O है हम इसकी क्वालिटेटिव चेक करते हैं कि किस तरह है क्या है ठीक है आइडेंटिफिकेशन इसी करते अब इसकी क्वान्टिटेटिव अब ये हमारे पास आइडेंटिफाई ये वाटर है अब क्वान्टिटेटिव में हम इसको देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है एग्जाम्पल हाइड्रोजन है और इसका ऑक्सीजन तो इसके ये हम क्वान्टिटेटिव में चेक करते हैं अब है दूसरा सेपरेशन अब हम देखते हैं कि आया जो हमने देखा एनालिसिस में कि कंपोनेंट्स क्या ये अब सेपरेट होते हैं या नहीं तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं तो ये इसका सेपरेशन है सो so, ये था आज का टॉपिक और ये थे आई एड ब्रांचेस